अब हम प्रोग्रामर कैलकुलेटर के बारे में देखते हैं। प्रोग्रामर कैलकुलेटर के अंदर हमारे पास फीचर है कि हम हेक्साडेसिमल, डेसिमल, ऑक्टल या फिर बाइनरी किसी भी नंबर का, हम डेसिमल नंबर का, ये सब हम वैल्यूज़ देख सकते हैं। हमने एक नंबर टाइप किया 25। अगर हम देखना चाहते हैं इसकी हेक्साडेसिमल वैल्यू क्या बनेगी, तो हम हेक्साडेसिमल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे 19 लिखा हुआ आ रहा है। हम ऑक्टल वैल्यू देखना चाहते हैं इसकी, 31 ऑक्टल वैल्यू बनेगी। बाइनरी वैल्यू देखना चाहते हैं कि इसकी बाइनरी वैल्यू क्या बनेगी, तो ये बाइनरी वैल्यू बन रही है हमारी। तो ये चीज़ हम यहाँ से देख पा रहे हैं। इसके और भी यूजेस हैं, हम काफ़ी यूजेस देख चुके हैं। इसके अलावा और, एक्स और, नॉट, एंड, ये सब हम ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं। ये ए बी सी डी जो दिया गया है, ये हेक्साडेसिमल वैल्यू के अंदर काम करेगा। जैसे ही हम हेक्साडेसिमल वैल्यू में जाएंगे, डेसिमल में सिर्फ हमारे 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स काम करेंगे। बाइन ऑक्टल नंबर में जाएंगे तो हमारे 7, 0 से लेकर 7 तक डिजिट्स काम करेंगे। बाइनरी में सिर्फ 0 और 1 काम करेगा, बाकी जो बटन्स हैं वो इनएक्टिव हो जाएंगे।